ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिलिंग रायपुर मंडल की द्विवार्षिक बैठक चरोदा में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से ऑल इंडिया गार्ड काउंसिलिंग के महासचिव डी विश्वास, कार्यकारिणी संतोष निशांक, जोनल अध्यक्ष संतोष मिश्रा सहित विभिन्न शाखाओं के गार्ड्स बड़ी संख्या में शामिल हुए। ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल रायपुर मंडल द्वारा आयोजित दूसरा वार्षिक बैठक चरोदा में संपन्न हुई। बैठक के पूर्व शामिल सभी रेलवे के अधिकारीगण दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की। तत्पश्चात सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान मंच के माध्यम से किया गया। काउंसिल के जोनल अध्यक्ष संतोष मिश्रा ने संगठन की आवश्यकता व वर्तमान स्थिति में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनसे लड़ने की तैयारी की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे काउंसिल के महासचिव डी विश्वास ने बॉक्स नाइट ड्यूटी अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा एनपीएस इनिशियल रेट पे आदि विषयों को लेकर विचार विमर्श किए गए। ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल जो पूरी भारतीय रेलवे में सारे डिवीजन और सभी जोन में कार्यरत है, ये ट्रेन मैनेजर लोगों की जो समस्याएं हैं उनको अपने स्तर पर ट्रेन मैनेजर के साथ जो भी समस्याएं क्रिएट होती है उसको लेके वो ब्रांच लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, जोन लेवल पे और रेलवे बोर्ड लेवल पे अनवरत कार्यरत है। हम लोग गार्डों की जो भी ट्रेन मैनेजर की समस्या है उसको हर जगह पे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हर टेबल पे रखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो समस्या है वो समस्याओं का समाधान किया जाए। क्योंकि अगर आप ट्रेन मैनेजर और इनके समाधान नहीं करेंगे तो सेफ्टी से जुड़ा हुआ कैडर है, रनिंग स्टाफ, तो अगर ये समस्याओं में रहेगा तो इसके साथ साथ सभी की सुरक्षा खतरे में रहेगी। तो हमारी समस्याएं हैं और ये आज जो यहाँ पर हो रही है भिलाई में, ये हमारा डिवीजन का एक बैठक है जिसमें कि ब्रांच का चुनाव होगी, जो ब्रांच एक्टिविटी करेगी उसके लिए ब्रांचों का चुनाव होगी। ब्रांच और डिवीजन ऑलरेडी चुना हुआ है, जोन भी हो चुका है सेप्टेम्बर महीने में और सेंट्रल भी हो चुकी है, तो अभी ब्रांच का चल रहा है चुनाव यहाँ का, रायपुर डिवीज़न का। हमारे डिवीजन में गत वर्ष से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। हमें किसी से लड़ना नहीं है, हम अपनी बस मांग रख रहे हैं प्रशासन से कि हमारी मांगे जो है वो जेन्यून है, जो कि एकदम सही चीज़ें हैं जिसपे हमको डे टू डे वर्किंग में प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ख़राब ब्रेक व्यवस्था, उसमें पानी नहीं होती है, ब्रेक टॉयलेट रहता है लेकिन पानी नहीं रहता, किसी का सीट खराब वगैरह वगैरह। हमारी प्रशासन से बस इतना ही मांग है कि हमारी बातें जो हैं वो सुने, उसको क्लियर करें, बस इसके सिवा हमें और कुछ नहीं चाहिए। बाकी जो हमारी केंद्रीय कार्य समिति जो है लड़ रही है हमारे जो मूलभूत सुविधा जैसे 42 ग्रेड पे ड्रेस अलाउंस, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जो पैनल में बैठता है, बटन दबाता है, उसको 10,000 ड्रेस अलाउंस मिल रहा है, और जो फील्ड में काम करता है कोयला हर सांस भी ले तो उसका यूनिफॉर्म खराब होता है, तो उसको 5,000 रनिंग को दिया गया। ये थोड़ा सा कहीं पक्षपात हमारे रेलवे बोर्ड ने किया है मुझे ऐसा लगता है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, वर्ष 2020 में हम लोग रायपुर सांसद सुनील सोनी जी के पास में गए थे, हमारे भूतपूर्व मंडल सचिव जी के साथ, श्री मिलाप साहू के साथ। उन्होंने ये भी यही बात बोला, जब ये चीज़ ऐसा है तो क्यों ऐसा चीज़ हुआ है, तो हमारे पास उस समय कोई जवाब था नहीं। रेलवे बोर्ड बोलता है कि हाँ ये चीज़ गलत हुई है लेकिन देता नहीं है। तो मैं यही आपके माध्यम से यही अपील करूँगा कि हमारी जो मांगे जो जिनिंग चीज़ है, कम से कम ड्रेस अलाउंस उसको 10,000 किया जाए, और जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा फिर से, जो हमारा ब्रेक का जो मॉडिफिकेशन है वो थोड़ा ढंग से हो। बाकी आपके साथ और कुछ हमारी और कुछ जरूर मांगनी है, बस इतनी ही हम मैं बोलना चाहूंगा मंडल सचिव को मैं, धन्यवाद। बहरहाल इस द्विवार्षिक बैठक में रायपुर दुर्ग भाटापारा BMY 14 सहित विभिन्न शाखाओं के गार्ड्स बड़ी संख्या में शामिल हुए। क्रैन ACN न्यूज के लिए शैलन खरे की रिपोर्ट।